सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है विकास और आज हम बात करेंगे कि जो मीशो कंपनी है वो जो अपने ऑर्डर्स भेजती है या फिर आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया तो जो उसकी पैकेजिंग वगैरह कैसी होती है वो आज मैं आपको बताऊँगा। चलिए देखते हैं। वैसे जो ये मैंने एयरपोर्ट्स मंगाए हैं ये बस एक सिंपल एक बॉक्स में थे पैक, उसके बाद ये बॉक्स निकला है उसके अंदर से और आज हम देखते हैं कि इसकी जो क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। जो एयरपोर्ट्स i7s TWS के जो आते हैं इनका जो प्राइस है वो है 240 रुपये, 240 रुपीज़ ओनली। चलिए देखते हैं और फिर इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं तो हमको इसमें मिलता है, ये पॉलीथीन में आता है जो हमारे एयरपोर्ट्स होते हैं वो, इनको अभी साइड में रखते हैं। उसके बाद देखते हैं और क्या है इसके अंदर। हमको ये छोटा सा मैनुअल कार्ड मिलता है, आप देख सकते हैं ये मैनुअल कार्ड मिलता है इसके अंदर। और ये हमको जो छोटी सी डेटा केबल मिलती है जैसे कि हम इसको चार्ज करते हैं, चार्जिंग केबल बोल सकते हैं। अब आते हैं जो हमारा मेन प्रोडक्ट है उसके ऊपर, ये है हमारे एयरपॉड्स। इनको मैं देखता हूँ ऑन करके, ऑन होते भी हैं या नहीं। ये तो ऑन भी नहीं हो रहे, चलिए देखते हैं इसको यहाँ से इस बटन से ऑन करके। हाँ ये ऑन हो चुका है और इस वाले को भी ऑन करके देखते हैं। अभी ये भी ऑन हो चुका है और अगर मैं इनकी स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो ये जो एयरपोर्ट्स हैं इनकी जो बैटरी लाइफ है वो 2 से 3 घंटे चलती है और जो इसका चार्जिंग टाइम है वो है 1 से 2 घंटे में चार्ज होते हैं और 2 से 3 घंटे ही चल पाती है इसकी चार्जिंग भी। और तो इसमें कुछ खास नहीं है ऐसा, और जो इसकी क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा चीप लग रही है, वैसे महंगे भी नहीं है कुछ भी। ये आपको मैं बताऊं तो कहीं तक ठीक है 240 रुपये के हिसाब से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही टैक्स से जुड़ी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।